नमस्ते, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ क्लच प्लेट वार्निंग। देखो, क्लच प्लेट जल्दी जल्दी ख़राब हो रही है, उसके क्या कारण रहते हैं और मैं आपको कुछ उसका समाधान बताता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया क्लच का क्या काम रहता है। क्लच का मेन काम रहता है, जो इंजन से पावर आती है वो पहियों तक पहुँचाने का काम क्लच का ही रहता है। क्लच क्या करती है, पावर को एंगेज और डिसंगेज करने का काम करती है। तो वो किस तरीके से करती है, ठीक है, और उसके अंदर क्लच जो प्लेट जल्दी ख़राब हो रही है उसके क्या कारण रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नो लेस और एक्सेसिव क्लच लीवर फ्री प्ले। देखो, हर एक वीडियो में आपको मैंने बताया जो क्लच लीवर रहता है उसकी फ्री प्ले कम से कम 2 से 5 mm के बीच के होना चाहिए। यदि क्लच लीवर फ्री प्ले नहीं है उसके क्या कारण रहते हैं, तो एक तो मैकेनिक का रहता है, मैकेनिक सही ढंग का नहीं है, उसकी वजह से क्लच लीवर जो क्लच फ्री प्ले नहीं रखी उसकी वजह से क्लच जल्दी से ख़राब हो जाती है। दूसरा रहता है क्लच केबल शॉर्ट इन लेंथ, जो क्लच केबल है वो उसकी लंबाई कम है, उसकी वजह से भी क्लच प्लेट जल्दी ख़राब होती है, ठीक है। अब क्लच केबल मूवमेंट स्टिकी क्लच लीवर नॉट रिटर्निंग, जो क्लच लीवर रहता है वो रिटर्न नहीं हो रहा है, एक बार अपन ने दबा दिया वो वहीं दबा रह रहा है। क्या रहता है, क्लच केबल रहती है वो जाम हो गई है, उसके अंदर पानी आ गया, उसकी वजह से जाम हो गई है। पानी कैसे आता है, जब हम उसके अंदर जेट का प्रेशर देते हैं उसकी वजह से पानी उसके अंदर एंट्री कर जाता है और वो केबल को जाम कर देता है। इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन तीसरा मेन काम रहता है क्लच प्लेट ख़राब होने का। लुब्रिकेशन यदि कम मात्रा में ऑयल इंजन के अंदर है तो क्लच प्लेट ख़राब होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ऑयल लेवल बराबर होना चाहिए, ठीक है, और जिस नंबर का ऑयल आपको गाड़ी के अंदर डालना है, इंजन के अंदर जानना है, उसी इंजन ऑयल उसके अंदर डालना चाहिए जिससे क्लच प्लेट ख़राब नहीं होती है। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन क्लच व्हील एंड क्लच हबिंग, जो इसके अंदर का जो क्लच व्हील और क्लच हब है उसके अंदर का ज़्यादा गैप बन गया, उसकी वजह से क्लच प्लेट जल्दी ख़राब हो जाती है। और जैसे ही हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लच लीवर को बार बार दबा के और छोड़ते हैं, बार बार दबा के रखते हैं, उसकी वजह से भी क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है। इसके बाद इसके अंदर जो स्प्रिंग रहती है वो उसके अंदर वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से एक दूसरे के पीछे इंगेज ये नहीं हो पाती क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, जिसकी वजह से क्लच प्लेट ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने आपको बताया क्लच प्लेट स्लिप हो रही है, जाम हो रही है, उसके क्या कारण रहते हैं और जल्दी ख़राब होने के क्या कारण रहते हैं। यदि आप इस तरीके से प्रॉब्लम को देखोगे, सॉल्व करोगे, तो प्रॉब्लम जल्दी समाधान हो जाएगा। और मैं आपको सजेशन देता हूं, जब भी आप क्लच प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट को बदलवा रहे हो तो ओरिजिनल पार्ट्स ही बदलवाना चाहिए, क्योंकि ये एक बार डलता है। लोकल मैकेनिक क्या करते हैं, लोकल पार्ट्स डाल देते हैं जिसकी वजह से क्लच प्लेट जल्दी ख़राब होती है। हमेशा जेन्युइन पार्ट्स ही इंजन के अंदर आप डलवाइए, क्योंकि इंजन बार बार खुलता नहीं है और खुलता है तो बहुत सारी समस्याएँ आती है, बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। तो ये मेन काम रहता है क्लच प्लेट वार्निंग के। एक तो पहला रहता है फ्री प्ले कम है और केबल स्टिकी जाम है, मूवमेंट जाम है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। इनप्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्लच स्प्रिंग टेंशन वीक है और फ्रिक्शन प्लेट और प्रेशर प्लेट एक दूसरे से कॉन्टेक्ट सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से क्लच प्लेट जल्दी ख़राब होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।